मैंने जो भी किया इस घर की खुशियों के लिए किया, इतनी छोटी सी बात पर आपने मुझ पर हाथ उठाया। ये घर, शहरियार भाई, सुंबुल भाभी, इनके अलावा कुछ है तुम्हारी जिंदगी में कि नहीं? अगर ये लोग इंपॉर्टेंट हैं तो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्या इंपॉर्टेंस है मेरी तुम्हारी लाइफ में? मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आया, बस रहम आ गया। रहम? अपनी माँ पे तो कभी तुझे रहम नहीं आया, सारी दुनिया के लोगों पे बड़ा रहम आता है तुझे। माँ बस कर दो, आती शुरू हो जाती हूँ। बहुत नाराज हूँ मैं तुमसे, सिर्फ एक बार चक्कर लगाया, उसके बाद तुमने पूछा भी नहीं। अच्छा प्लीज नाराज नहीं हो, आई प्रॉमिस मैं जल्दी चक्कर लगाऊंगी। नहीं आई अंडरस्टैंड, तुम ऑफिस की वजह से भी बिजी हो गई हो। अच्छा नूर, आई रियली वॉन्ट यू टू मूव ऑन। देखो किसी के जाने से जिंदगी रुक तो नहीं जाती ना। एक्चुअली हमाद ने वहां पे एंगेजमेंट कर लिया, उसकी कॉलेज की बहन। जितना मैं हमाद के लिए खुश हूँ कि उसने अपनी जिंदगी में मूव ऑन किया है, उसी तरह मैं तुम्हारे लिए भी यही चाहती हूँ। नूर तुम सुन रही हो ना? हाँ फिजा, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। ओके ठीक है, टेक केयर। हाय। क्या हुआ? मेरे अभी सर में दर्द है। झूठ बोल रही है, क्या बात है, तुम्हारा मूड क्यों खराब? शायद आप मेरी फिक्र मत किया करें। बात क्या है आखिर? सही तो बोल रही हूँ, आपको ना ही मेरी फिक्र है ना ही मेरी ख्वाहिश की। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। जब मैंने आपसे कहा था कि मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है तो आपने मुझे साफ मना कर दिया, और नूर को देखा है वो कैसे ऑफिस जाती है। यार तुम्हारा नूर से कोई मुकाबला है? और वैसे भी उसे ऑफिस जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। इस बात का क्या मतलब है शहरयार? क्यों इस तरह से बिहेव कर रही हो तुम, बच्चों की तरह जिद कर रही हो तुम? भाई घर में रहो, आराम करो। मेरा नहीं ख्याल कि ऑफिस वगैरह तुम्हारे बस की बात है। मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक को अब यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए। एक ही बात बार बार। यूसुफ, इसमें शाह ग्रुप से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन है। ये हमारे सबसे पुराने और अहम क्लाइंट। जी सर, मैंने शाह ग्रुप से रिलेटेड फाइल स्टार्ट कर ली। दैट्स ग्रेट, इसका मतलब है कि मुझे तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बात का ख्याल रखना कि सबसे बेस्ट और सबसे लोएस्ट प्राइसेस हमारी होनी चाहिए ताकि टेंडर हमें ही मिले। इंशाल्लाह सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। आई एम सॉरी, मैं बाद में आऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मीटिंग ओवर हो चुकी है, आओ बैठ। नूर, ये यूसुफ हैं हमारे फाइनेंस मैनेजर, एंड आई मस्ट से ही इज वेरी जीनियस। और यूसुफ, ये नूर है माय डॉटर। सर मैं बाद में आता हूँ। ओके। अच्छा नूर, ये सारी डिटेल्स हैं। And I must say, he's very genius. Aur Yusuf, ye Noor hai, my daughter. Woh Ruth si ladki Shahryar sir ki beti? Shahryar sir toh itne achhe aur kaafi sensible hai, magar unki beti bahut hi maghroor hai. Lagta hai usse paise ka bahut ghamand hai. Shahryar sir mujhse bahut khush hai. और मैं नहीं चाहता कि उनकी बेटी कुछ भी उल्टा सीधा मेरे बारे में कहे, उनकी नजरों में मुझे गिराए। इसके लिए मुझे खुद मोहतात होना पड़ेगा। ये कल का लड़का आकर मुझसे सवाल करेगा, डैम इट। आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। शहरयार भाई ने वो शाह ग्रुप का प्रोजेक्ट यूसुफ को हैंडओवर कर दिया है, इमेजिन। और अब वो सारे एक्सपेंसेस की इनवॉइस के बारे में मुझसे पूछगछ कर रहा है, मुझसे, फरहान से। सारी सेटिंग हो गई थी यार,
शाह ग्रुप के दो तीन लोगों को भी मैंने साथ में मिला लिया था और अब ये फाइनेंस मैनेजर बीच में आ गया, कैसे प्रॉफिट कमाऊंगा मैं अपना? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब सारी चीजों को तुम लोग आफ्टर कर रहे थे तो उन्होंने सब कुछ यूसुफ को हैंडओवर क्यों किया? यार मैं सिर्फ यही चाह रहा था कि ये प्रोजेक्ट सारा मैं खुद देख लेता, जितना प्रॉफिट कमा सकता हूँ कमा लेता। तानी शहरयार भाई को क्या सूझी कि इस लड़के को लाके मेरे सर पे बिठा दिया? तो सिंपल है, तुम शहरयार सर से कहो कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यूसुफ नहीं उठा सकता। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गई हो? अंधों की तरह एतमाद करते हैं उस पर शहरयार साहब? बगैर सबूत के बात करूंगा तो मानेंगे नहीं। फिर अब क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? सबूत। ये यूसुफ मेरे रास्ते में आया एक पत्थर है, पत्थर। रास्ते के पत्थर को कैसे हटाया जाता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। पिज़्ज़ा, नूर, मेरी जान, कितने दिन बाद मुझे सुकून मिला है तुम्हें देखकर। वो मैं फिज़ा से मिलने आई थी। वो फिज़ा अंदर ही है। मैं इतने दिन बाद तुम्हें देख रही हूँ नूर, और तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रही। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। आपसे घर में भी वैसे ही कम मुलाकात होती थी तो दिन गुजरने का पता ही नहीं चलता। ठीक कह रही हो। मैं तो कोई गिला कोई शिकवा करने की हकदार ही नहीं। जाने दें। ये बताएं फिजा कैसी है, कहाँ पर है? तुम बैठो, मैं फिजा को बुलाती। जी शहरयार भाई, ये देखा है आपने कितना बड़ा ब्लंडर हो गया? क्या है ये? ये फाइल चेक करें। शाह ग्रुप के प्रोजेक्ट का बजट है ये। यूसुफ ने गलत कोटेशन लिखी है, करोड़ों का नुकसान हो सकता था कंपनी को। क्यों, क्या हुआ? यूसुफ इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? एग्जैक्टली, यूसुफ इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? अगर मैं चेक एंड बैलेंस ना रखता ना शहरयार भाई, कंपनी का दिवालिया हो चुका होता। इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा, ये कोई छोटी बात नहीं है फरहान। शहरयार भाई, आई एम सॉरी, शायद मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपने यूसुफ को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर बहुत बड़ी गलती की है। आप चाहें तो उसको बुला के पूछ सकते हैं। नहीं फरहान, मुझे तुम्हारी बात पे पूरा यकीन है। चले, शुक्र है मैंने देख लिया। थैंक यू सो मच, तुम मुझे हमेशा किसी भी बड़े नुकसान से बचा लेते। मतलब तुमने अब ऑफिस जाके बिजनेस का काफी काम सीख लिया है? सीख रही हूँ, और वक्त के साथ साथ और एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। और तुम बताओ कैसी हो? बिल्कुल ठीक। मॉम मेरा बहुत ख्याल रख रही है। मॉम? अब मैं उनको मॉम बुलाती हूँ। उनकी अपनी ख्वाहिश थी कि मैंने मॉम बुलाऊं। आई एम शॉक्ड। ये लो भाई बच्चों, गरम गरम चाय। मॉम आप खुद क्यों लाए, मैं ले आती हूँ। अरे कोई मसला नहीं। अरे हाँ, मैंने सोचा कि आज मेरी बेटी आई है इतने दिन बाद, इसीलिए मैंने अपने हाथों से सारा इंतजाम किया। नूर, कैन यू बिलीव इट, मॉम बेकिंग क्लासेस ले रही है। नूर तुम्हें यकीन नहीं आएगा, तुम्हारी मामा बहुत अच्छी कुक हो गई हैं। और हाँ, ये समोसे और ये केक भी मैंने ही बेक किया है, खा के बताना कैसा लगा। वैसे सारे एक्सपेरिमेंट तो मैं आमिर और फिजा पे ही ट्राई करती हूँ। लेकिन बहुत अच्छी होती है, सीरियसली ऑनेस्ट। खाओ ना, लो चाय पियो। आ
आपने यूसुफ को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर बहुत बड़ी गलती की है। हाँ, थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। मैं आपके लिए इतना तैयार होती हूँ, आपका इंतजार करती हूँ। अच्छा ये बताएं, मैं कैसी लग रही हूँ आपको? अच्छी लग रही। कहाँ ध्यान है आपका शहरयार? कहीं नहीं, यही हूँ। अच्छा चले कहीं बाहर चलते, मौसम कितना अच्छा हो रहा है, कहीं चले जाते हैं बाहर। वैसे भी मैं घर में बोर होती रहती हूँ। इतनी शॉपिंग करती हो और अभी अभी बाहर से आई हो और फिर बोर हो रही हो। वैसे मुझे आपसे एक शिकायत है। यहाँ कौन है जिसको मुझसे शिकायत नहीं? तुम भी कर लो। आपने अभी तक मुझे कोई वेडिंग गिफ्ट नहीं दिया है। गिफ्ट? मेरा मतलब है कि तुम्हें गिफ्ट की क्या जरूरत है, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। एक्सक्यूज मी, से अम्मा ने बहुत गुस्सा किया आप पे। जाहिर सी बात है, उनका गुस्सा जायज है। औरतों के घर में कोई भी अचानक गैर मर्द आ जाएगा तो कोई भी गुस्सा हो सकता है। ठीक ठीक बात है, बिल्कुल। मेरी वजह से परेशानी है घर में, तो मैं चला जाता हूँ। क्या है? यही तो मैं तुमसे जानना चाह रहा हूँ कि सच क्या है, क्योंकि अभी रियल फाइल यूसुफ ने मुझे दी, तो फेक फाइल यूसुफ के नाम से क्यों मुझे दी गई? नूर, आई एम सो हैप्पी तुमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। ऐसी कोई बात नहीं है, अभी भी आपकी छोटी बहन ही हूँ। लेकिन जब घर के बड़े गलत फैसले करते हैं ना, तो छोटों को जल्दी बड़ा होना पड़ता है। भाई वाह, बड़ी बड़ी बातें करने लग गई। भाई प्लीज वापस आ जाएं। आपके बगैर ये घर बहुत अधूरा है, आपकी बहुत कमी महसूस होती है। याद है जब आप लंदन से वापस आए थे, हम कितने खुश थे। नूर, वो वक्त कुछ और था, सब कुछ अलग था। अब दोबारा वैसे नहीं हो सकता। तो क्या मेरा ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा? आप, मॉम, डैड, हम सब एक साथ? शायद। सुने? क्या बात है? मेरी वजह से अम्मा ने बहुत गुस्सा किया आप पे। जाहिर सी बात है, उनका गुस्सा जायज है। औरतों के घर में कोई भी अचानक गैर मर्द आ जाएगा तो कोई भी गुस्सा हो सकता है। ठीक ठीक बात है, बिल्कुल। मेरी वजह से परेशानी है घर में, तो मैं चला जाता हूँ। कहीं जाना ही था तो मेरा दिमाग खराब करने की क्या जरूरत थी? यहाँ अम्मा से तुम्हारे लिए बहस करती रहती हूँ, वहाँ हॉस्पिटल में सर खपाती रहती हूँ, और यहाँ तुम्हारी बातें सुनू। और मुझे ये बताओ कि तुम जाओगे कहाँ? कोई ठिकाना है तुम्हारा? कुछ याद है तुम्हें? कुछ याद होता तो आपके पास क्यों होता? जाहिर है मेरी वजह से परेशानियां तो होगी, मुझे जाने। बस अब चुप हो जाओ, खाना खाओ, अभी दवाई भी खानी है तुम्हें।
सबा सबा सबा, अरे आपा क्या हो गया है? शकीला, सबा पूरे घर में कहीं नहीं मिल रही है, अब वो भी तो कहीं हया की तरह। अरे अल्लाह ना करे आपा, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा तो जाओ जरा ढूंढो पूरे घर में अपनी बेटी को, कहाँ है वो बताओ मुझे। आपा वो यूसुफ के साथ कॉलेज दाखिले के लिए गई थी, तुम्हारी तबीयत खराब थी, सो रही थी, इसलिए पता नहीं लगा तुम्हें। ला तेरा शुक्र है, मेरा तो दिल हौल गया था। और मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि यूसुफ को सबा को कॉलेज में पढ़ाने की क्या पड़ी हुई है, वो भी तो रिदा की तरह घर बैठ के इम्तिहान दे सकती है ना। आपा तुम कहती हो तो मैं मना कर दूंगी उसे। बस रहने दो, मेरे सामने ऐसी बातें मत करो, कहती कुछ हो और फिर आके यूसुफ तुम्हारी जबान बोलता है। मैं ऐसी बातें करके ना अपने बेटे की बुरी नहीं बनना चाहती। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? सर ये फाइनल फाइल है ही नहीं। तो फिर किसकी है? सर आई मीन टू से दिस इज नॉट अ रियल फाइल। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके साइन के बगैर मैं कोई अप्रूवल नहीं देता, और ये कोटेशन मेरी है ही नहीं। अगर ये फाइल रियल नहीं है तो फिर असली फाइल कहां है? ये खुद देख लें। यूसुफ अगर ये फाइल फाइनल है तो फिर मुझे फेक फाइल क्यों दी है फरहान? ऑनेस्टली स्पीकिंग सर आई डोंट नो। मैं ये फाइनल फाइल उनके पास लेके गया था लेकिन वो अपनी सीट पे नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा मैं डायरेक्टली आपके पास आ जाऊं। लेकिन जब मैं आपके पास आया हूं आप कह रहे हैं कि मेरे नाम से एक फाइल ऑलरेडी मौजूद है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फरहान फौरन से पहले मेरे रूम में आइए। जी शेरियार भाई, बुलाया। बैठ। एवरीथिंग ओके? इन दोनों फाइल्स में क्या डिफरेंस है? ये क्या है? यही तो मैं तुमसे जानना चाह रहा हूं कि सच क्या है, क्योंकि अभी रियल फाइल यूसुफ ने मुझे दी तो फेक फाइल यूसुफ के नाम से क्यों मुझे दी गई? I don't know, but की फाइल रमशा ने मुझे दी थी। रमशा ने? बुलाओ उसे, बल्कि मैं खुद बात कर। शेजा भाई प्लीज एक बार मुझे उससे बात कर लेने दीजिए। उसने मेरे साथ धोखा किया है, आपके सामने मुझे गंदा किया है, मुझे उससे बात करने दें। शेजा भाई प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं इस कंपनी या आपके साथ कभी कोई बुरा नहीं होने दूंगा। ठीक, लेकिन मुझे आज ही ये सब कुछ क्लियर चाहिए। व्हाट? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हारे कहने पे इतना बड़ा इल्जाम मैं अपने सर पे ले लूंगी तो शहरयार सर मुझे जॉब से फौरन निकाल देंगे, और तुम जानते हो कि मैं अपने पूरे घर का खर्चा चलाती हूं। ऐसा नहीं कर सकती। तो तुम क्या चाहती हो? शमशा अगर मेरी असलियत खुली ना तो शहरयार भाई तुम्हें भी यहां नहीं टिकने देंगे, समझी? अगर मुझे धक्के देके निकाला गया तो तुम भी रुसवा हो जाओगी, इसलिए बेहतरी इसी में है चुपचाप इल्जाम अपने सर पे ले लो। जब मैं हूं ना यहां पे, आई प्रॉमिस मैं सब सही कर दूंगा, डोंट वरी। शमशा प्लीज बात को समझो। देखो अगर तुम चाहती हो कि हम एक हो जाएं तो प्लीज मुझे इस दलदल से निकालो, हेल्प मी। मुझसे मोहब्बत करती हो ना? आज मैं तुमसे इसी मोहब्बत की कीमत मांग रहा हूं। शमशा तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। शरिया भाई आप, मैं अभी बात कर रहा था रमशा से। तुम्हें ये फाइल फरहान ने दी, मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। मैं वो, इसका मतलब है कि ये फाइल तुम्हें किसी ने नहीं, ये फाइल तुमने खुद बनाई। रमशा शरिया भाई तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारी गलती भी माफ कर देंगे, बस सच बोलो। शाबाश, बताओ। जी
मैंने ही बनाई है। सर I said get out. आज हम एक बहुत जरूरी काम जा रहे हैं। आया मैं रमशा के वाकये के बाद बहुत डर सा गया हूं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आमिर को घर वापस ले आऊं। मैं ऐसा कुछ नहीं करी शहरयार। ये खड्डा तुमने खुद खोदा है अपने लिए, दूरियां तुमने खुद पैदा की, समझे तुम?